आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कानून को वाकई ही अंधा होना चाहिए। इस मशीन को देखिएगा, ये मैं एक शीट रखूंगा, मेटल की शीट है, यहां पे रखूंगा। अब इसके नीचे खुदा ना खासा किसी का हाथ होगा या कोई मेटल की शीट होगी या कुछ भी होगा, मैं इसको प्रेस करूंगा, इसको काट देगा। इसको कहते हैं अंधा कानून, जो कि सबके लिए एक है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इंसाफ, जब ये देखता है कि किसको कैसा इंसाफ देना है, वहाँ पता चलता है कि कानून अंधा नहीं है, कानून को आंखें लगी हुई हैं और दो से ज़्यादा लगी हुई हैं। उसको ये पता है कि अमीर के लिए कौन सा इंसाफ करना है, गरीब के लिए कौन सा इंसाफ करना है। ये जानना हमारे लिए अक्सर ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं जी कानून अंधा होता है, नहीं, कानून को इस मशीन की तरह काम करना चाहिए, कानून को इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करना चाहिए। उसके अंदर आप उंगली अगर देंगे, चाहे बच्चा देगा, चाहे औरत देगी, चाहे बड़ा देगा, चाहे बूढ़ा देगा, चाहे बीमार देगा, चाहे ताकतवर देगा, उसको करंट लगेगा। कानून इसको बोलते हैं। जब कानून ये सोच के फैसला करता है कि अमजद के लिए मुख्तलिफ, आपके लिए मुख्तलिफ, फलां के लिए मुख्तलिफ, फलां के लिए मुख्तलिफ, इसका मतलब है कि कानून समझदार है, उसको पता है कहाँ पर आँखें बंद करनी है और कहाँ आँखें खुली रखनी है। समझ आई हो तो समझ आइएगा। इंसान भी के हैं।